बढ़ते आगे। विश्व बाघ दिवस पर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि बाघ हमारी धरोहर है और बाघों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। 2018-22 के बीच बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, और बाघों की संख्या में 24% की बढ़ोतरी हुई है। बाघों की कुल संख्या का 75% भारत में है। और आपको बताते चले, तो विश्व बाघ दिवस पर सचिन तेंदुलकर का यह स्टेटमेंट, बाघों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी भी जब बीते दिन मन की बात कर रहे थे, ये कार्यक्रम कर रहे थे, तो इस बीच उन्होंने इसका जिक्र किया था। और देखिए, अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो यहाँ पर बाघों पर संकट के बीच थाईलैंड के जंगल से जागे नई उम्मीद। यहाँ 16 साल पहले 41 थे बाघ, 3 गुना बढ़कर ये 143 हो चुके हैं। और ऐसे में 2005 में बाघ संरक्षण योजना पर काम शुरू हुआ था। खासतौर पर अगर हम थाईलैंड की बात करें, क्योंकि आज विश्व बाघ दिवस है, ऐसे में बेहतर वन प्रबंधन और वन्य जीवन संरक्षण का मिसाल ये बन चुका है। और दुनिया भर में रह रहे बाघों में से आधे से अधिक भारत में रहते हैं। यहाँ लगभग 3000 बाघ हैं, जबकि पिछले 5 सालों में यहाँ 600 से ज्यादा बाघों की मौत हुई है। उनके संरक्षण की कई योजनाएं चलाई जा रही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बाघों पर संकट के बीच थाईलैंड के जंगलों से अच्छी खबर है, और वो ये कि यहाँ पर पश्चिमी वन परिसर में बाघों की आबादी 18,000 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में रहती है। और देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तारीफ की गई मन की बात कार्यक्रम में। पीएम मोदी की तरफ से देखिए, एक दिन पहले ही जब कल उन्होंने मन की बात किया, तो उसी दौरान उनकी तरफ से काफ़ी तारीफ की गई बाघ मित्र को लेकर। उन्होंने भी तारीफ की, और जो बात हम कर रहे हैं बाघों की संख्या में, शुरुआती माह में पिछले अगर कुछ दिनों की आप तस्वीर को समझे, पिछले 7 महीनों की तस्वीर को समझे, तो ये जो ग्राफ है अगर आप क्षेत्रवार समझेंगे तो वो हालांकि अब जो कम होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे एमपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, केरल की, तो हर जगह कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है।